आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी थर्ड जो है आप सभी लोगों का जो है आने वाला है, और इसको लेकर जो है काफी बच्चों के मन में जो है सवाल था कि सिलेबस आखिर क्या है, क्योंकि जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं वो भी जो है नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, और जो बच्चे इस बार सेकेंड ईयर में है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो है इस बार अपीयर हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएससी जो है आपके प्रत्येक वर्ष जो है वैकेंसी आएगी, यह जो है बीपीएससी के द्वारा जो है कहा गया है, और जो आपका बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया गया है उसमें जो है आपको डेट वगैरह बता दिया गया है कि कब आपके जो है एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्जाम होगा और कब आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को बहुत सारे बच्चों का जो है सवाल आ रहा था कि जो आपका बीपीएससी टीचर जो वैकेंसी है उसका जो टीआरई थर्ड उसका जो है सिलेबस क्या है। फुल सिलेबस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, और जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो पूरी तरीके से सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है बट जो ऑफिशियल है उसको समझ लीजिए। और आपको मैं बताने वाला हूँ उससे पहले कि आपका जो है एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे और एग्जाम कब होंगे और रिजल्ट कब आएंगे, ये आपके जो है कैलेंडर में ऑलरेडी जारी कर दिया गया है 2024 के। और आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सारी क्लासेस आपको जो है मिलते यहाँ पर नजर आए। समझ गए? तो बीपीएससी जो आपका TRE 3 है उसके एग्जाम डेट और रिजल्ट को जो है पहले से ही बता दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरने की जो तिथि बताई गई है कि जो आपका फॉर्म भरने की तिथि है वो आपका 24 अगस्त 2024 को जो है फॉर्म भरने की तिथि बताई गई है, यानी अगस्त में आपका जो है फॉर्म भरे जाएंगे, डेट भी बता दिया गया है। एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर डेट नहीं बताया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है आपका अगस्त में ही एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सितंबर में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए? यहाँ पर हम बात कर ले रिजल्ट की, तो रिजल्ट का डेट जो है बता दिया गया है कि 24 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट भी जो है जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अगस्त और सितंबर के बीच जो है आपका एग्जाम रिजल्ट फॉर्म सभी कुछ जो है 2 महीने के भीतर जो है हो जाएगा। यह सवाल समझ गए? और अब जो आपका सवाल था कि आखिर जो है जो आपका सिलेबस है वो क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, तो हम जो है सिलेबस के ऊपर चलते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। समझ गए? मक्खी परेशान कर रहा है क्योंकि ज्यादा जो है इस रूम में स्प्रे नहीं लगा है आज शायद। तो चलिए हम सिलेबस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और आपको हम सिलेबस बताएंगे। समझ गए? दिक्कत यहां पर यह है ना कि अगर एक भी मक्खी ये कहां से आ गई, परेशान करके रखा हुआ है, एक भी अगर मक्खी आ जाएगी ना दिक्कत बड़ी करती है, ये बोर्ड काम ही नहीं करेगा। समझ गए? चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपका सिलेबस है यह जो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो है जारी किया गया था, और ये आपका न्यू सिलेबस है जो बीपीएससी टीआरई 2 में यूज किया गया। समझ गए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधे हम ले चलेंगे आपको मेन चीजों के ऊपर, बाकी ये सब चीजें लिखी गई है बट इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जब आपका फॉर्म आएगी तो इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। समझ गए? जो मेन आपका टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा श्रृंखला एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे, यानी कि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो ये आपका क्वेश्चन होंगे भाग 1 और भाग 2 में बटे रहेंगे। समझ गए? आपका भाग 1 और भाग 2 में बटे रहेंगे, और इसमें जो है टोटल आपका 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, जहां पर आपके जो है 150 क्वेश्चन होंगे। समझ गए? जहां पर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अब एक जो नया तरीका आ रहा है उसमें क्या है कि आपका जो है 100 क्वेश्चन आपके होंगे, किससे आपके जो होंगे सामान्य अध्ययन और जीके रीजनिंग मैथ वगैरह से, और बाकी आपका लैंग्वेज जो पेपर है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना लैंग्वेज पेपर, यानी भाग 1 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, भाग 2 में आपका 40 क्वेश्चन और भाग 3 में आपके 80 क्वेश्चन। तो ये जो आप यहाँ देखना चाहेंगे भाग 1 जो था इसमें आपके भाषा का था। समझ गए? ये आपका जो है क्या है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटा 30 मिनट का, जिसमें आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपका निगेटिव नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है कि निगेटिव आपका नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। समझ गए? भाषा, अर्हता और सामान्य अध्ययन से मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पत्र जो है 3 भागों में बटा होगा। समझ गए? भाग 1 की हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर भाषा अर्हता होगा, लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी होंगे, इंग्लिश और आपका जो है हिंदी होंगे, और इसमें जो है पास करना अनिवार्य होता है।
समझ गए, इसमें पास करना आपको अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार भी जो है उसको हटा भी दिया गया था, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका जो समय आएगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें पास करना बहुत जरूरी होता है। समझ गए, इसमें 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, समझ गए, 30 ही प्रश्न आप पूछे जाएंगे इसमें, क्लियर है जी। पहले आपके 100 प्रश्न थे, लेकिन अब आपको जो है 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपका लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपका 30 प्रश्न होगा और इसमें आपको 8 से 10 नंबर लाने ही लाने होंगे, समझ गए, क्लियर है। अब देखिएगा, इसमें आपका अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा, और व्यावहारिक ज्ञान इसमें भाग अर्हता में कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि 30 नंबर का 30% कर लीजिएगा तो आपको वहां पर आ जाएगा, समझ गए। यानी जो आपका ये भाग 1 है जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर है जिसमें आपका 30 प्रश्न होंगे, उसमें आपको 30 प्रश्न मतलब 30% नंबर लाना जरूरी है, मतलब वही 8 से 10 नंबर लाना जरूरी है। भाग 2 की हम बात कर लेंगे जिसमें आपका सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक, सामान्य अध्ययन के लिए देखिएगा, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित पूछेगा, समझ गए, मानसिक आपका क्षमता परीक्षण पूछेगा, सामान्य जागरूकता पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, सामाजिक आपका जो है विज्ञान पूछेगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यानी जो ये आपका भाग 2 होंगे, भाग 2 में याद रखिएगा, भाग 1 जो होगा आपका इसमें आपका लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें आपका 30 प्रश्न पूछेगा, भाग 2 में आपका जो है मतलब कि आपका सामान्य अध्ययन होगा जिसमें आपका जो है 40 प्रश्न आपसे पूछेंगे, समझ गए। तो उसमें आपका जो है प्राथमिक गणित, मानसिक परीक्षण यानी रीजनिंग होंगे, फिर आपका सामान्य जागरूकता होगा, करंट अफेयर होंगे, सामान्य विज्ञान होगा, जनरल साइंस होगा, फिर आपका सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, फिर आपका जो है राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन इतिहास का जो है आपका एक पार्ट होगा, भूगोल होगा और पर्यावरण शामिल होंगे। और यहाँ पर आपका भाग 3 है जो कि देख सकते हैं कि भाग 3 में हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ये जो है यहाँ पर गलत लिखा गया, समझ गए, यहाँ पर जो ये टाइपिंग गलत कर दिया गया है, ये जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया था ना, ये टाइपिंग गलत कर दिया है। यहाँ पर जो आप देखे हैं ना, ये जो आप 30 क्वेश्चन देखे हैं लैंग्वेज से, और ये दोनों मिलाकर आपका मतलब भाग 2 जो होगा ना, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश गणित वगैरह होगा, इससे आपको मिलाकर जो है 120 क्वेश्चन होंगे, समझ गए, और टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपका जो है सिलेबस है, ये जो लिखा गया ना भाग 3, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना, तो ये जो बोर्ड के द्वारा गलत जारी किया गया था सूचना, यानी कहने का मतलब है कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सभी चीजों में से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, समझ गया ना जी। तो यही आपका जो है सिलेबस है, क्लियर है ना। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझ गए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पूछेगा ये कहाँ से पूछेगा याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन जो प्रश्न होंगे ना, या उपयुक्त विषयों का जो पाठ्यक्रम होगा, SCERT और NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। MCQ प्रश्न होगा, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक नहीं है, यानी जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर फुली फुल्ली सिलेबस नहीं बताया गया, समझ गए, यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि जो आपका 150 प्रश्न का एग्जाम होगा ना, इसमें आपका जो होगा हिंदी लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश, और इसमें बांग्ला उर्दू भी होगा, और बाकी आपका सामान्य पेपर होगा, सामान्य पेपर में आपका सभी आ जाएंगे, आपका जितने भी सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, GK GS, करंट अफेयर, वो सभी आ जाएगा। और ये सभी चीजों के लिए बेसिकली यहाँ पर बोला गया है ना कि आपको डिपेंड किस पर रहना है, तो SCERT यानी बिहार बोर्ड की पुस्तकें, और आपका NCERT, ये दो दो पुस्तकें आपको पढ़नी है। बाकी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे पार्टिकुलर सिलेबस की, आपको जो है किस पेपर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इतना जान लीजिए कि ये जो आपको यहाँ पर बताया गया है, बोर्ड की तरफ से गलती थोड़ा की गई थी यहाँ पर, बस याद रखिएगा कि जो ये आपका लैंग्वेज पेपर होगा, इसमें आपको जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये होगा, इस भाग में कम से कम जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, और लैंग्वेज पेपर में आपका जो है 30 ही प्रश्न होगा, और भाग 2 में और भाग 3 मिलाकर जो है आपका 120 प्रश्न होगा, जिसमें आपका भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन आ जाएगा, जिसमें आपका गणित आ गया, मानसिक रीजनिंग आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे, इससे आपका प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, क्लियर है। और ये सभी चीजों के लिए आपको SCERT यानी बिहार बोर्ड की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है आपको NCERT, ज्यादातर आप जो है NCERT पढ़िए, ये बेहतर है, क्लास 6 से लेकर आप क्लास 12 तक के NCERT को पढ़ लीजिए, बहुत ही बेहतर आपको बेनिफिशियल मिलने वाला है, समझ गए। यहाँ पर साफ तौर पर लिख भी दिया गया NCERT और SCERT, समझ गए, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।